बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग कैसे हैं? हेलो एवरीबॉडी, ये मेरी सेकंड पार्ट है कीटो डाइट का। ठीक है, सुबह की 8 बज रही है और मैं शुरू कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। तो आज मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगी आप लोगों को, सुबह से लेके मेरे रात तक की जो स्केड्यूल होगी, जो मील होगी, मील लूंगी मैं, तो उसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जो भी मेरी तरह वेट लूज करना चाह रहे हैं, अपने वेट को लेके बहुत परेशान है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखिए, मैं सुबह की ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बना रही हूँ। आज मैंने घी ऐड नहीं किया है, ये बटर था मेरे पास। ये देखिए, अंदाजन होगा ये 1 टीस्पून, क्योंकि वो बटर फ्रिज में था तो बिल्कुल ही जम गया। और वन टीस्पून मैंने कॉफ़ी लिया है। और ये आज मैं हैवी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, क्रीम में भी कार्बोहाइड्रेट होती है, बट इसमें ना आपको देख के लेना होता है, बहुत ही कम, 5% या तो 2% कार्बोहाइड्रेट वाली क्रीम जो होती है वो लेना होता है। ये देखिए, और मैंने इसमें पूरा पानी, गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर जो है वो डाल दिया है। 1 चम्मच MCD ऑयल, 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच व्हीपिंग क्रीम और 1 चम्मच कॉफ़ी। दैट्स इट, ये मेरी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी तैयार हो गई। तो कल मैंने ऑमलेट बनाया था, आज मैं ऑमलेट नहीं करूँगी, आज मैं बॉइल्ड एग करूँगी। तो मैं दिखा दूंगी ना, कि ऑप्शन दिखा दूंगी सब, किस तरह से करना होता है सारे मील की चेंज कर करके, क्योंकि एक ही तरह के खाना खाते हमें बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। तो आज मैंने ये देखिए, 2 अंडा मैंने बॉईल कर लिया था, साथ में खीरा ले लिया था, ये मेरी ब्रेकफास्ट है, और साथ में बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। तो मैं कोशिश करूँगी ना पूरा मील आप लोगों को दिखाऊँ, बट और कीटो डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और इस दौरान अगर मैं आप लोगों को रेसिपी बता नहीं पाई तो प्लीज़ सॉरी। ये मेरी देखिए लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने वो ले लिया था ब्रेकफास्ट। तो मैं रेसिपी अगर बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट मैं कीटो डाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दे दूँ। ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, ये देखिए मैं कैसे करती हूँ, आप लोग देखते रहिए। ये मैंने प्याज डाल दिया था घी पे, और थोड़ी सी कलौंजी और मेथी और ज़ीरा डाल दिया था, दैट्स इट। और देखिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। और अभी मैंने कैबेज का सब्ज़ी बनाना है, ठीक है। और मैं बता रही हूँ कि कीटो डाइट एक्चुअली कैसे काम करता है। कीटो डाइट जैसे कोई भी डाइट हम शुरू में लेते हैं ना, करने के लिए कहते हैं, हर डाइट की एक रूल होती है, उस रूल को अगर आप एज इट इज़ मेंटेन करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगी। कुछ दिन पहले, शायद 2-3 महीने पहले, एक रिमार्क सा आया था कि कीटो डाइट की वजह से कोई एक जन है, जो मैं नाम नहीं बता रही हूँ, हीरोइन है, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो एक्चुअल बात वो नहीं है कि अगर हमारे बॉडी के साथ हमें टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है। हमारे बॉडी को जितना हम वो कर सकते, बर्दाश्त कर सकता, या तो जैसे हमें पता है इस हद तक ही हम बर्दाश्त कर सकते, इससे ज़्यादा हमें उसको टॉर्चर नहीं करना है हमारे बॉडी को। तो आपका रूल से अगर कोई भी चीज़ आप मेंटेन करेंगे तो कभी भी आप फेलियर नहीं होंगे। इसका भी एक रूल है, जैसे कि आपको इतनी परसेंट कार्ब लेना है, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, और इतनी परसेंट प्रोटीन जानी है और कार्बोहाइड्रेट नहीं जानी है। और खाना जो है ना, वो हर किसी की बॉडी की हिसाब से अलग अलग होती है, किसी की नीड्स ज़्यादा होती है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट, इस हिसाब से हमें खाना मील जो है अपना मील डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। जैसे मैं जितना खाती हूँ उतनी क्वांटिटी में मैं सफिशियंट फिल करती हूँ फुल, और हो सकता है कोई और फिल ना करे, तो उनके लिए थोड़ी और ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें मैं देखिए फिश मैरिनेट कर रही हूँ, सलमन फिश है, इसको जस्ट मैरिनेट करूँ, इसका इन्ग्रीडियंट मैं दे दूंगी। आज मैं लंच पे फिश लूँगी और वेजिटेबल लूँगी, ठीक है, ये होगा। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 5 डे है ना,
कीटो डाइट पे आपको फुल खाना है, जितना घी जितना ये है ना, क्वांटिटी जो है ना वो 80% फैट लेना है, मतलब स्टमक फुल करके खाना है। ऐसा नहीं है हमने इतना खा लिया हमारा तो भूख नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। 5 डे फुल खाना है आपको। अगर रिड्यूस करना भी है थोड़ा बहुत तो 5 दिन के बाद रिड्यूस करिए, 5 डे आपको फुल लेना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हो गया जो कीटो डाइट में ना आजकल बहुत फेमस हो गया कीटो डाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब मैक्सिमम लोग जानते हैं। पर फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप यूट्यूब पे कीटो डाइट टाइप करेंगे ना तो मतलब कुछ ऐसा मिलता नहीं। जैसे हम होम मेकर जो है, देसी लोग हैं हम लोग, तो उन लोग के लिए ना मैंने बहुत ट्राई करी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि कीटो डाइट एक्चुअली इंडियन डाइट तो है नहीं, ठीक है, वो इंग्लिश डाइट है बेसिकली कीटो डाइट। तो क्या होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने पूरा ऐसे डिजाइन बनाया है, ऐसे मैंने जो जो कीटो डाइट में ना फैंसी खाने पे नहीं जाना है। कीटो डाइट टाइप करेंगे आपको बहुत सारे फैंसी खाने के नाम आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी घर पे घरेलू घर पे रहते हुए जो इंडियन डाइट से ही कीटो डाइट कर सकते हैं मैंने वो किया है, और आप लोगों से पूरी मैंने शेयर किया है और आगे भी करूंगी पूरी। ये मेरी सेकंड पार्ट है, तो आप लोग देखते रहिएगा पूरी वीडियो को मेरी। कीटो डाइट एक्चुअली शुरू किया था ना डॉक्टर रसल विडलर ने 1924 में, तो वो उन्होंने ये इसलिए एक खास किस्म की ट्रीटमेंट के लिए शुरू किया था, एपिलेप्सी टाइप की एक ट्रीटमेंट थी, उन्होंने शुरू किया था ये चीज़। एक डॉक्टर की पूरी पैनल थी, उन्होंने ये ट्रीटमेंट के लिए शुरू किया था, मतलब किसी एक खास किस्म के पेशेंटों के लिए। तो क्या हुआ कि वो 100% वर्क कर गया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसलिए वो बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन धीरे 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 ये आम लोग भी इसको लेने लगे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने लगा है। अगर किसी को इमीडिएट वेट लूज करना है तो इसलिए अभी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, डाइटिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस ये है। और मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट करी थी ये डाइट करने के लिए, ठीक है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसको रखा था। पहले मैं 15 डेज के लिए करूंगी, उसके बाद अगर नहीं होता है तो छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत तरह की डाइट पहले ट्राई करी है, कोई भी काम नहीं किया। तो ये मेरी शाम की स्नैक है, ये देखिए मैं ग्रीन टी लूंगी, ग्रीन टी। और ये मैंने कल मैंने वो लिया था पीनट लिया था, आज मैंने ये अलमंड लिया है। अलमंड को आप चाहे तो घी में रोस्ट भी कर सकते हैं, करके ले सकते हैं, मैंने ऐसे प्लेन लेना मुझे पसंद आता है। तो ये मेरी शाम की स्नैक्स है, और जो मैंने दोपहर को लिया था आप लोगों को दिखाया हुआ है, और रेसिपी में दे दूंगी। मैंने फिश लिया और कैबेज मैंने फ्राई कर लिया था, ये मैंने दोपहर की लंच में लिया, ठीक है, ये मेरी शाम की स्नैक्स है। और ये अब मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो डिनर में मुझे क्या लेना है, अगेन ऑब्वियस है कि वेजिटेबल तो लेना ही लेना है। मैं ऐसे स्टेयर फ्राई वेजिटेबल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मसाला वाला ज़्यादा पसंद नहीं आता है, ठीक है। आप लोग चाहो तो नॉर्मल, आप लोग घर के बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड लोगों के लिए, घर के लिए जो सब्जी वगैरह बना रहे हो उसी में से खा लीजिए। तो मैंने ये वेजिटेबल बना रही हूँ, और साथ में मैं चिकन मैरिनेट करूँगी, चिकन ग्रिल टाइप का करूँगी, आप लोग देखते रहिए। तो मैं अभी क्या बता रही थी आप लोगों को कीटो डाइट के बारे में, इस डाइट में मैंने कल की वीडियो में भी कहा है कोई चीटिंग डे नहीं होती है, चीट नहीं करना है हमें, इवन चखना भी नहीं है, ठीक है। अदर डाइट में क्या होता है, अदर डाइट थोड़ा डिफरेंट होता है कि हम एक चीट डे कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे तो वो बैलेंस हो जाता है। इस पर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसलिए चीट नहीं करना है। इवन बच्चों को खाना खिलाते वक्त जो थोड़ा बहुत बच जाता है, हम क्या करते हैं, लेडीज लोग चख लेते हैं, उसको खा लेते हैं, नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए इसकी टारगेट आप शुरू में 15 डेज का रखिए, 15 डेज के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ऑब्वियस है कि आपको इतना एनकरेजमेंट मिलेगा और इतना अच्छा लगेगा कि आपको खुद दिल चाहेगा कि और 15 डेज इसको करूँ। तो इस तरह से अगर आपने 1 महीना कर लिया तो 1 महीने के अंदर तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है,
आपको अगर कभी होता है ना, बात बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कभी क्या होता है कि हमारे वेट कम लूज हो रही है पर इंचीज में देखिएगा आपके कपड़े सारे ढीले हो रहे हैं। 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आपको ये चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ है। मेरी वजन बहुत स्लोली रिड्यूस हुआ है, ठीक है, बट मेरा जो इंचीज है इतनी ज्यादा लूज हुए थे, मेरी जितनी टाइट कपड़े हैं सब आ गए थे विद इन ए मंथ। मेरे सारे कपड़े जो बिफोर में प्रेगनेंसी में पहनती थी ना, क्योंकि मैंने ये मेरी सेकंड बेबी के दौरान मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था। उसके बाद लग रहा था बस खत्म, कुछ दिल नहीं कर रहा था। मैं मीडियम साइज से लार्ज में आ गई, लार्ज साइज, फिर लार्ज साइज भी टाइट होने लगा, फिर एक्सेल में आ गई। अब लास्ट में हो रहा था कि एक्सेल साइज भी मुझे टाइट होने लगा। फिर सोचा नहीं, अब नहीं तो अब तो कुछ करना है, सीरियस इशू है, क्योंकि मुझे बीपी प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं 1 साल से मेडिसिन ले रही थी, ठीक है, इस डाइट की वजह से मेरी जो वेट लूज हुई उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीपी की अभी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं बहुत हल्का फील करती हूँ, बहुत लाइट। ये देखिए मैंने मैरिनेट किया है चिकन को, मैं बता दूँ अभी घर पे जो मेरा ग्रीन चटनी थी ना, मैं ये करती हूँ, जो ग्रीन चटनी बच जाता है 2-3 दिन यूज करने के बाद उसकी कलर थोड़ी सी फेड होने लगती है, तो मैं वो ग्रीन चटनी या तो सालन में यूज कर लेती हूँ या चिकन मैरिनेट करके इसका टिक्का बना लेती हूँ। बाकी सारी मसाला तो जो है वही अदरक लहसुन सभी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये मैंने पहले तो ब्रोकली वाली वेजीज बना ली, ठीक है, अभी मैं ये देखिए चिकन सिंपल से ग्रिल करना है और कुछ नहीं है। आप लोग चाहे तो इसमें दही डाल के ग्रेवी बना के कर लीजिए ताकि आपके घर के और बाकी लोगों का भी काम आ जाए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है कि मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, बट स्टार्टिंग में क्या, जब भी आप लोगों ने ये कीटो डाइट शुरू किया ना, स्टार्टिंग के 3 दिन आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमें बॉडी को बिल्कुल ही, हमने अनाज कार्ब कुछ भी नहीं दिया दिया है तो ऐसे ही छोड़ दिया है बॉडी को, सिर्फ हम वो ले रहे, फैट्स ले रहे। स्टार्टिंग के 3 दिन थोड़ी कमजोरी, थोड़ी थकान टाइप की लगती है, 3 दिन के बाद चौथे दिन यकीन जानिए, बिलीव मी, एकदम से फिर आपके बॉडी को आदत पड़ जाती है, कीटोजेनिक मोड पे आ जाती है बॉडी, ठीक है, और फिर आपको फ्रेश फील होगा और इतना लाइट फील होगा कि मैं क्या बताऊं। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो और उम्मीद है कि आज अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने कीटो डाइट के बारे में, और अगर आप लोगों में से कोई भी ये डाइट शुरू कर रहा है तो पहले मेरी पूरी पार्ट देख लीजिए, मैं बहुत सारी पार्ट लेके आऊंगी ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए इसके बाद बारे में, क्योंकि मैंने ये खुद अपने ऊपर ट्राई किया ना, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो दोस्तों ये देखिए मेरी डिनर तैयार हो गई है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी खासी हेल्प मिली होगी इस डाइट के बारे में, और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरे कमेंट्स की इंतज़ार रहती है मुझे। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और इसका 3rd पार्ट देखना नहीं भूलिएगा जो मैं कल अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।